अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो एक ट्यूटोरियल बेस्ड वीडियो होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा फार्मेसी शॉप का लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब पहले हम लाइसेंस अप्लाई करते थे वो डिफरेंट पोर्टल से अप्लाई करते थे, और अब जो कि पूरा प्रोसेस अपडेट हो चुका है उसी बेस पे मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको भी अप्लाई करने में हेल्प हो जाए। और मैं इस वीडियो में पूरी से पूरी कोशिश करूंगा आपके सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की। तो जिस किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना। करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले आपको सर्च बार पे आपको सर्च करना है जेके सिंगल विंडो सिस्टम, जो कि नया पोर्टल है। एंटर करने के बाद सबसे पहली लिंक पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है और ये काफी ज्यादा डिफरेंट है पुरानी वाली वेबसाइट से। सबसे पहले आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। लॉगिन जबकि आप अपना अकाउंट बना लेते हो, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन ही करना होता है। और साथ में जो ये डिपार्टमेंट लॉगिन है ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमें बस रजिस्टर करना है। और हमें रजिस्टर पे क्लिक करके कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुना, जिस किसी आइकॉन जिस किसी नाम के आगे ऑप्शन के आगे ये रेड कलर का डॉट होता है वो डिटेल आपको कंपलसरी ही फिल करनी ही करनी है। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम ऐड करना है और उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम ऐड करना है। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। देन उसके बाद आपको बारीकी से और ध्यान से एक ईमेल लगानी है जो कि आपका लॉगिन आईडी यूजर नेम होगा। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने से ये मतलब है कि आपको एक ओटीपी जनरेट करके उसको वेरीफाई करना होगा। सेम ऐसे ही आपको ये नंबर टाइप करके फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, फिर आपको ओटीपी जनरेट करना होगा। ओटीपी जनरेट करने के बाद मैं तो एक प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ, बट ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आप एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकते हो। अपनी डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस ऑफ द कम्युनिकेशन, जहाँ पे आपकी शॉप है उस चीज का एड्रेस आपको डालना है जहाँ पे आप शॉप कर रहे हो। एड्रेस के बाद आता है स्टेट, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अपना पिन कोड भी डाल देना। और इसके बाद नीचे आता है यूजर नेम, यूजर नेम आपका ऑटोमेटिकली ईमेल से फैच होके आ जाएगा यूजर नेम पे। और पासवर्ड जो कि अच्छी तरह आप अपना पासवर्ड बना लेना, पासवर्ड रूल्स तो आपको मालूम होंगे, तो अच्छे से पासवर्ड बना के फिर आपको ये रजिस्टर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर कर लेते हो तो आपको सीधा मेन पेज पे लिया जाता है। मैं इसलिए लॉग इन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया था। जो बात मैंने पहले कही कि जैसे ही आप अकाउंट बना लेते हो रजिस्टर कर लेते हो तो इस तरह के डैशबोर्ड पे आप आ जाते हो, और यहाँ पे एक पॉपअप बीच में नोटिफिकेशन आती है कि अपना एक फोटो अपलोड करो। यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी फोटो अपलोड कर दिया। आपको बस इतना ही करना है, आपने पिक्सआर्ट में फोटो को कंप्रेस करना है जो कि आपका 20KB तक होना चाहिए, फिर वो जाके अपलोड होगा। अदरवाइज वो खाली प्रोसेसिंग में ही आपको एक दो घंटे लेगा और उसके बाद कैंसिल हो जाएगा। फिर फोटो अपलोड करने के बाद आपको माई प्रोजेक्ट पे जाना है। ऑलरेडी मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया है। जैसे आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है। सबसे पहले आपको अपनी शॉप का नाम लिखना है, जो कि आपके फ्लैक्स पे जो नाम होगा वही आपको इधर लिखना है। फिर उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जो जो चीज़ें आप शॉप पे सेल करते हो एक्स्ट्रा जो भी आपका काम है वो आप इस पे लिख सकते हो। फिर उसके बाद एंटरप्रेनर जो है वो मेल है फीमेल है वो भी लिख सकते हो आप। सोशल स्टेटस कैटेगरी डिफरेंशियली एबल्ड इसको नो कर देना, GST नंबर कंपलसरी नहीं है। EX सर्विसमैन अगर है कोई तो रख सकते हो, अदरवाइज इसको नो कर देना। और लास्ट में जो लैंड एस्टेब्लिशमेंट है इसमें नॉट एप्लीकेबल करके सेव करके आपका प्रोजेक्ट सेव सक्सेसफुल हो जाएगा। गाइज एक्चुअली आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया था। जैसे ही आप प्रोजेक्ट बना लेते हो तो आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करके एड CAF में जाना है और ये नेक्स्ट पेज आपके सामने आ जाएगा। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है, उसके बाद आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है, फिर आपको यूनिट नेम जो है आपकी शॉप का नाम होगा। जैसे आपकी शॉप पे रवि क्लॉथ हाउस का ब्रांडिंग लगा है तो आपको वैसे ही यहाँ पे लिखना है। फिर नेम ऑफ द प्रमोटर, अपना ऑफिशियल नाम और प्रोफाइल नेम भी सेम ही आएगी। प्रोफाइल डेजिग्नेशन की जगह पे ओनर लिख देना। प्रोफाइल फोटो आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, उसका भी साइज आपको यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके बाद ये 2 बॉक्सेस खाली छोड़ देने क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, उसके बाद सेव कर देना। सेव करने के बाद आप डायरेक्ट चले जाओगे नेक्स्ट स्टेप में, और नेक्स्ट स्टेप होगा एड्रेस का। एड्रेस वाली डिटेल में मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि एड्रेस तो काफी ज्यादा सिंपल होता है, हर किसी को अपने आधार कार्ड का ही एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर का एड्रेस है तो वो आपका अपना होम एड्रेस होगा, और जहाँ पे यूनिट एड्रेस है वो आपकी शॉप का एड्रेस होगा। कहीं भी आपकी शॉप होगी आपको वो एड्रेस फिल करना है और उसके बाद सेव कर देना है। स्टेप है प्रोजेक्ट कॉस्ट, और वहाँ पे आपको एक एस्टिमेट टाइप देना है, जहाँ पे आपकी शॉप है उस शॉप की वैल्यू कितनी है, आपको वैल्यू बनानी है 10 लाख है 20 लाख है, वो एक एस्टिमेट आपको अंदाजे के तौर पे बनानी है। लैंड की वैल्यू आप मान के चलो 10 लाख है तो एक्सपेंशन वैल्यू आप उसमें 5 लाख ऐड कर सकते हो। उसके साथ ही बिल्डिंग वैल्यू भी आप इतना ही एस्टिमेट रख सकते हो, और एक्सपेंशन में 5-6 लाख ऐड कर सकते हो और ज़्यादा। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू, इसमें आपका जितना भी सामान आता है उसकी एक वैल्यू बनाने, जैसे आपकी शॉप में अगर 5 लाख का माल है तो आप 5 लाख उसमें डाल सकते हो। और एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट भी आप इसमें डाल सकते हो, कितना आगे और एक्सपेंड करना है आपने सामान। इतना तो एस्टिमेट
एस्टिमेट आप बना सकते हो। ये काफी ज्यादा इजी प्रोसेस है, ये सब फिल करके आपको सेव कर देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको आएगा ये ऑप्शन, जिसमें आपको ये बताना है कि आपके पास कितने मेल काम करते हैं और कितनी फीमेल काम करते हैं। ये सेव करने के बाद आपको आता है फिर ये लाइन ऑफ एक्टिविटी वाला ऑप्शन, और ये फाइनल ऑप्शन है। इसमें हमें ऑप्शन डालना है लाइन ऑफ एक्टिविटी, और इसमें हमें अपनी शॉप का नाम डालना है। फिर एक्टिविटी सर्च में आपने जाना है, एक्टिविटी सर्च तो आप ब्लैंक भी छोड़ दोगे तो कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज, जिसमें रेड डॉट है। इसमें आपका बिजनेस किस टाइप का है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, ट्रेडिंग है। देखो अब जैसा भी आपका बिजनेस है, जिस रिलेटेड बिजनेस है, आप वैसा ऑप्शन सेलेक्ट करके आप नीचे NIC 2, NIC 4 और NIC 5 डिजिट में सेलेक्ट करोगे। अगर आपका बिजनेस किसी से भी रिलेट करता है ऑप्शन से तो आप रख सकते हो, अदरवाइज उधर ऑप्शन आता है अदर सर्विस एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़, और सेम ही आपने NIC 4 NIC 5 में भी अदर्स ही डालना है। अगर आपका इन तीनों में से किसी से भी मैच होता है तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। ये सब ऐड करने के बाद ऐड NIC पे क्लिक करके आपके सारे ऑप्शंस नीचे फैच हो जाएंगे। अगर आप इन तीनों में ही अदर्स सेलेक्ट करोगे तो उसमें आपको ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शंस मैच नहीं होते हैं आपके बिजनेस के रिलेटेड। और ये सर्विसेज ऐड करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है। फिर लास्ट में आपके पास ये ऑप्शन आता है ऐड रॉ मटेरियल, तो आपको इसमें अपनी डिटेल्स डालनी है कि आप क्या क्या चीज़ें आप सेल करते हो, क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। और फिर सेव करने के बाद आप आ जाते हो फिर से वापस उसी डैशबोर्ड पे। इस टाइप का आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है। फिर आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग पे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके पास अवेलेबल है। पहला डॉक्यूमेंट आप एफिडेविट से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर एक ऑप्शन है नेम का और नीचे फाइल का, तो आप नेम एफिडेविट लिख सकते हैं और नीचे फाइल एफिडेविट वाली अपलोड कर सकते हैं। सेम प्रोसेस और सेम डॉक्यूमेंट्स आपको आप दूसरे भी अपलोड करने हैं तो आपको सबसे पहले डेस्कटॉप पे होने चाहिए। जैसे ही आपने सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे, इसी लिस्ट में साथ में सर्विस लिस्ट होगा, और सर्विस लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कमर्शियल सर्विसेज में जाना है। फिर उसके बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं तो आपको ऐड न्यू सर्विसेज पे जाना है। देन उसके बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आएगा प्रोजेक्ट नेम, फिर सिलेक्ट करोगे आप डिपार्टमेंट। जैसे ही आप ऑप्शन करोगे तो ऑप्शन पे आपको लेबर डिपार्टमेंट आएगा। लेबर डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे सर्विस को ऑप्शन आता है, और सर्विस को क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शन आते हैं। तो आपको बस इतना ही सिलेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन अंडर द शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपको सीधा ऐड टू माई सर्विस लिस्ट कर देना है, जो आपकी सर्विस ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। जैसे ही आप सर्विस ऐड करते हो उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आता है 3 डॉट्स का सर्विस के आगे, इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है। क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपके पास ये पेज आ जाता है, पर इसमें सारे रेट लिस्ट लिखे हैं कि कौन सा लाइसेंस आपको कितने रुपए में बनेगा। तो आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन पकड़ना है, कि जैसे पहले आप पकड़ते थे ₹50 वाला, और देन ये सिलेक्ट करने के बाद आपको सीधा कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये पेज आता है, और फिर से वही डिटेल्स आपको फिल करनी है जो कि मैंने पहले आपको बताया था। आप इसमें वही डिटेल्स फिल करोगे जिस पे रेड डॉट है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है अपने नाम और डिटेल्स के साथ, बट पहले ही आपने जो डिटेल्स डाली हुई है वो ऑटोमेटिक चढ़ जाएंगी। फिर इसके बाद आपका शॉप का एड्रेस, जो कि आपको खुद फिल करना है। फिर उसके बाद आपको ये 2 स्टेप छोड़ के इसमें कुछ फिल नहीं करना है। फिर ये जब 3rd स्टेप पे आप आओगे, जिसपे फिर से रेड डॉट्स हैं, इनमें डिटेल्स अपनी फिल करनी है। इसमें थोड़ा ध्यान से भरना, क्योंकि यही प्रिंट आउट आपके पास जो लाइसेंस पे डिटेल होगी, इसी में से ही डिटेल उठाएंगे। आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका डेजिग्नेशन क्या है, ओनर हो आप क्या हो, उसके बाद आपका एड्रेस जो कि परमानेंट एड्रेस है, तो जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा वही आप डाल सकते हो। डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे और भी ऑप्शंस हैं, जिसपे नेचर ऑफ बिजनेस, जो कि आपका जिस टाइप का बिजनेस होगा आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम ज़्यादातर कैटेगरीज़ अदर एंड शॉप कमर्शियल में ही आती है, क्योंकि इस पे कैटेगरीज़ मैच नहीं होती हैं। रजिस्ट्रेशन कितने टाइम तक लेनी है आपने, वो आप रख सकते हो, 1 साल या 2 साल या 3 साल। तो 1 साल की ₹50 फीस है, तो आप ये मान के चलो कि 3 साल का ₹150। फिर उसके बाद आपको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, जितने भी आपके शॉप पे एम्प्लॉय काम करते हैं, आपको उनकी डिटेल डालनी है। अगर आपके पास कोई काम नहीं करता, आप खुद ही ऑनर हो, तो आपको ये सब जगहों पे 000 करके इसको नील करके आपको आगे स्टेप कर देना है। नेक्स्ट स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डे को आपको हॉलीडे रखनी है। तो जिस कैटेगरी की आपकी शॉप होगी उसी कैटेगरी पे आप हॉलीडे रख सकते हो। जैसे मीट शॉप ट्यूसडे को ऑफ होती है, तो उसका आप ट्यूसडे सेलेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट टैग पे, जिसमें हमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, स्टार्टिंग में जब हमने माय डॉक्यूमेंट्स में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए थे, उनकी एक लिस्ट बनती है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे टिक करके हमें उन लिस्ट में से हमें वो सेलेक्ट करने हैं, जिस टाइप का जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसको अपलोड करना है। तो इसमें जैसे कि रेंट डीड और एफिडेविट है, तो इसमें हम एफिडेविट का ऑप्शन डालेंगे। आधार कार्ड में हम आधार कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और बिजनेस पिक, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हमें अपनी शॉप के साथ ही फ़ोटो लेने होते हैं। जो ऑनर होता है, ऑनर को अंदर से भी
फोटोज डालने हैं और पूरा बिजनेस जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसके बारे में, देन उसके बाद आप फ्लैक्स के सामने भी एक दो फोटोज उठा सकते हो और उन चार पांच फोटोज को कॉलेज करके आप एक बिजनेस फिट बना सकते हो। देन लास्ट में अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप अपना पैन कार्ड डाल के आप सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद लास्ट में प्रीव्यू का ऑप्शन आता है जिसमें आप अपनी करेक्शंस ठीक कर सकते हो और लास्ट में अच्छे से पूरी डिटेल्स चेक करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप को आगे कर देना। कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है और आ जाता है आपकी नेट बैंकिंग पे। तो ध्यान से रखना, आपकी जो नेट बैंकिंग होगी तो नेट बैंकिंग से ही आप अपनी पेमेंट काटना, क्योंकि डेबिट कार्ड से पेमेंट फेल हो जाती है। मैंने तो कोटक की नेट बैंकिंग यूज़ की, आप भी कोई अच्छा सा बैंक यूज़ कर सकते हो जिसकी नेट बैंकिंग स्ट्रांग हो। देन पेमेंट होने के बाद आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा आपकी पेमेंट स्लिप पर। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप डैशबोर्ड पे आ जाओ। तो डैशबोर्ड पे आपको सर्विस अप्लाई में आपको जो ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन में थ्री डॉट्स पे क्लिक करके आपको पेमेंट ट्रांजेक्शन्स और यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन होगा वो आप देख सकते होंगे। जैसे सबमिट होगा तो ये लेबर इंस्पेक्टर के पास चला जाएगा, आपको स्टेटस बार बार चेक करना है। जैसे ही अप्रूवल होगा आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये थी कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि मुझे लगा मैं आप तक पहुँचा दूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। यार तुम्हारे भाई ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की इस वीडियो पर, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।